हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सौरभ तिवारी एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एंड गाइस, टुडे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू ट्रेवल पूरी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, पूरी पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं। आप बाई ट्रेन आ सकते हैं, बाई फ्लाइट आ सकते हैं, दोनों बेटर है। अगर इफ आप बाई फ्लाइट आते हैं तो आपको भुवनेश्वर एयरपोर्ट में रुकना पड़ेगा। वहाँ से आपको पूरी के लिए प्राइवेट टैक्सी, ओला कैब या कुछ भी बुक कराना होगा, या तो आप बाई बस भी आ सकते हैं। एंड सेकंड ऑप्शन है गाइस ट्रेन। ट्रेन से आप डायरेक्ट, आप कहीं से भी हो डायरेक्ट पूरी ही पहुँचेंगे। ओके, एंड गाइस मैं आपको एक चीज़ रिमाइंड करा देना चाहता हूँ। आप जब भी पूरी जा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप उस टाइम में अपना डिपास लें, ताकि आप सुबह तक पूरी पहुँच सकें। जैसे कि आप 6 से 8 के बीच में पूरी पहुंच जाए। ओके गाइस, एंड पूरी जाने से पहले गाइस आपको एक याद रखना है, आप अभी पेंडेमिक सीजन में आप अपना मास्क वास्क और जो भी है, दो डोजेस तो बहुत ज़रूरी है, और बूस्टर तो आजकल बहुतों को लग गया है, मेरा भी हो चुका है, तो आप भी करा सकते हैं। ओके, एंड थर्ड चीज़ है गाइस, पूरी आने के बाद आपको होटल्स बुक कराने, तो आप ऐसे होटल बुक कीजिए गाइस जो पूरी में मतलब 20 से लगा हो आसपास, ज़्यादा से ज़्यादा 1/2 किलोमीटर की डिस्टेंस में होनी चाहिए, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो गाइस हमने सुबह 6 बजे पूरी टच कर ली थी, उसके बाद हम गए थे होटल जहाँ हम रुके थे उसका नाम है सोनाली रिसोर्ट, और वहाँ नॉर्मल रूम जो होता है नॉन एसी उसका प्राइस होता है 700 से 800 रुपीस का, और एसी आप लेते हैं तो 1600 रुपीस में आपको एसी रूम मिल जाएगा। ओके, एंड इफ़ आप बीच फेसिंग होटल्स लेते हैं, इफ़ सी यू व्यू रूम आपको चाहिए, तो आपको 5K के अबाव या 5K से 7K के आसपास में आपको सी फेसिंग होटल्स मिल जाते हैं पूरी में। ओके, एंड गाइस वहाँ का फेमस जो ब्रेकफास्ट है वो तो मुझे पता नहीं, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन मैं जो ब्रेकफास्ट किया वो इडली है गाइस। मैंने 3 दिन इडली खा के बिताई, 3 से 4 दिन का टूर था हमारा, तो और मुझे इडली वहाँ का थोड़ा बेटर लगा, अच्छा लगा, और मैं इडली खाया। और फिर गाइस मैं आपको बताता हूँ कि उसके बाद आपको क्या करना है, कहाँ जाना है। तो गाइस हम पहले होटल में अपना पूरा सामान जो है वो रख दिया, उसके बाद हम गए बीच में हम फुल इंजॉय किए, बहुत नहाए। ओके, गोल्डन बीच में हम फुल नहाए, उसके बाद फिर हम कुछ शॉपिंग की। ओके, और फिर हम वापस से होटल रिटर्न आ गए, फिर हमने फिर से नहाया, और नहाने के बाद वहाँ गाइस हम शाम को वहाँ गए जगन्नाथ भगवान जी का दर्शन करने के लिए। ओके, वहाँ हम जगन्नाथपुरी में दर्शन करने के बाद हम फिर वापस आए, फिर हमने 1-2 घंटा आराम किया, फिर डिनर का टाइम हो गया गैस, उसके बाद हमने डिनर की। ठीक है, उसके बाद हम रात में गए स्वर्ग द्वार मार्केट घूमने के लिए गए थे, जो कि फेमस मार्केट है पूरी का। ओके, आप अगर पूरी जाते हैं तो स्वर्ग द्वार मार्केट जाना नहीं भूलना है आपको, आपको वहाँ जाना ही है गाइस। ओके, फिर आप स्वर्ग द्वार मार्केट जैसे ही घूमते हैं आपको थकान लग जाएगी पूरी। ओके, मैं तो पूरा थक गया था। उसके बाद हम सीधा बेड पे आ गए, होटल में सो गए चित्तो के। फिर सेकंड डे का टूर प्लान मैं आपको बताता हूँ गाइस। इफ़ ऑफ होटल से ही आपको जो है सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, सब होटल्स में रहता है। ओके, आप बाई कार जा सकते हैं, ओके, या बड़ा वैन जा सकते हैं आप जितने लोग हैं। इफ़ आप 2 हैं 3 हैं तो आप बाई कार ही जाएं, इफ़ आप ज़्यादा लोग हैं, आई मीन 10 से 12 लोग, तो आप जो बड़ा वाला वैन टाइप का आता है ना गाड़ी, वो आप बुक करा सकते हैं। ओके, सो प्राइस बता देता हूँ इसका, वैन में आप जाते हैं तो 2.5 से 3 हज़ार के आसपास पड़ता है, 3 हज़ार अप्रोक्सीमेटली। एंड इफ़ आप बाई वैन जाते हैं, 8-10 लोग हैं, तो आप आराम से 4 से 4.5 हज़ार के बीच में आपको मिल जाता है। सो गाइस फर्स्ट डे जब हमने वैन बुक कराया तो हम कहाँ कहाँ गए, मैं डिटेल आपको सारी जगह का नाम बताता हूँ। ओके, सबसे पहले हम गए गाइस चंद्रभागा बीच। ओके, वहाँ पे हमने बहुत सारे
एक्टिविटीज़ की, जैसे कि हमने हॉर्स राइड की, ओके कैमल राइड की, है ना। हॉर्स राइड करने में भी बहुत मज़ा आता है गाइस, बीच के किनारे। उसके बाद हमने कैमल राइड की, और वहाँ पे हमने एक चीज़ और किया, वो है क्वाड बाइक। क्वाड बाइक भी हमने चलाई, बहुत काफ़ी मज़ा आया क्वाड बाइक चलाने में। एंड फिर उसके बाद हम निकले आगे। जैसे हम निकले, हम सैंड आर्ट म्यूज़ियम गए गाइस। वहाँ पे हमने बहुत से सारे आर्ट, सैंड से बना जो आइडल है उसको देखे, बहुत ही काफ़ी अच्छा था। बहुत सारे महात्मा गांधी जी का था, रेड फोर्ट का था, जगन्नाथ टेम्पल का था, एंड गणेश जी का था, एलिफेंट का था, हल्क मैन का था, एंड बहुत सारे ऐसे आइडल हमने देखे वहाँ सैंड आर्ट म्यूज़ियम में। काफ़ी अच्छा है, वहाँ का एंट्री फीस ओनली 30 रुपीज़ था गाइस पर पर्सन। और फिर हम निकले आगे कोणार्क सन टेम्पल के लिए। बीच में हमने नाश्ता किया, इडली। कोणार्क सन टेम्पल हमने विज़िट किया। कोणार्क सन टेम्पल विज़िट करने के बाद गाइस, मानो ऐसा लगा कि हम बहुत 1000 ईयर्स पहले की टाइम पीरियड में पहुंच गए हैं, वैसा लगा। उसका बहुत ही काफ़ी इतिहास है गाइस, बहुत ही पुराना उसका, मतलब आप देखेंगे तो आप वीडियो में आप देख सकते हैं। फिर हम आगे निकले, तो गाइस हम गए धौलपुरी बौद्ध स्तूप, जहाँ पे बौद्ध भगवान जो है उनके टेम्पल हैं। फिर वहाँ से हम, वहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन सा उतना मज़ा नहीं आया, लेकिन काफ़ी अच्छा बना था पहाड़ के ऊपर। वहाँ से पूरा भुवनेश्वर शहर दिखता है गाइस। फिर हमने ढाबे पे खाना खाया। फिर खाना खाने के बाद हम आगे आए भुवनेश्वर शहर में। भुवनेश्वर शहर में गाइस हम गए वहाँ पे उदयगिरी और खंडागिरी। तो उदयगिरी और खंडागिरी दो बहुत पुराना केव्स है गाइस, उसको विज़िट करना मत भूलना अगर आप पूरी जाते हैं तो। काफ़ी मज़ा आया मुझे वहाँ, बहुत एंशियन टाइम का मेरे को गुफा जो होता है केव्स, उसको देखने को मिला, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। एंड फिर गाइस हम रिटर्न होटल आ गए, बहुत थक गए थे गाइस। ठीक है, आते आते हमको ड्राइवर साहब ने एक और चीज़ दिखा दी, वो थी साक्षी गोपाल का मंदिर। साक्षी गोपाल मंदिर में हमको दर्शन वर्शन किए, उसके बाद फिर हम वापस से होटल आ गए। होटल में हमने फिर आराम किया 1 घंटा फ्रेश होके। उसके बाद फिर डिनर का टाइम हो गया, डिनर में मस्त खाना वाना खाया अपना। ठीक है, खाने जो है गाइस, आप नॉर्मल लेते हैं तो 100, और स्पेशल लेते हैं तो 200 में आपका पूरा खाने का हो जाता है। उसके बाद हम गए तो फिर सो गए। उसके बाद फिर डिनर करने के बाद थोड़ा टहल वहल कर सो गए, हो ना। उसके बाद फिर गाइस हम थर्ड डे फिर आए। थर्ड डे हम गाइस वहाँ घूमे, क्या बोलते हैं उसको, कम लोकल पुरी में जहाँ पे है वहाँ पे घूमे। जैसे कि वहाँ पे हम, हमको ऑटो कराए थे, ऑटो ने एक ऑटो का 450 था, और एक ऑटो में हम 4 से 5 लोग बैठे थे। एंड अब काफ़ी अच्छा बड़ा ऑटो था। एंड वहाँ पे हमने घूमे, साक्षी गोपाल अगेन घूमे। फिर वहाँ घूमे हम लोग आपका चंदन तालाब। चंदन तालाब काफ़ी वहाँ पे भगवान जी, जगन्नाथ जो जी हैं, वो चंदन यात्रा में हर साल वहाँ आते हैं। उनका यात्रा होता है वहाँ, चंदन तालाब में घूमे। फिर हम ओंकारेश्वर टेम्पल गए, ओंकारेश्वर टेम्पल में भी बहुत ही अच्छा वो है। और फिर हम गए एक बौद्ध मंदिर में, जहाँ पे एक से एक कलाकृतियाँ बनाई जा रही थी। आर्टिस्ट लोग बहुत ही अच्छा, मतलब स्कल्पचर तैयार कर रहे थे वहाँ पे। हमने देखा वहाँ पे 1 लाख का एक आर्टिस्ट्री देखा मैंने, काफ़ी अच्छा लगा। जो कि वो मंदिर में, मैंने पूछा ये कहाँ लगेगा, तो उन्होंने बताया कि ये मंदिर में लगने वाला है करके। फिर हम गाइस ओंकारेश्वर टेम्पल गए। ओंकारेश्वर टेम्पल के बाद गाइस हमें एक बेस्ट जगह मिला, वो है गुप्ता वृंदावन। वहाँ भी हमने पूरे 2-3 घंटा लगा दिया घूमने में, फिर भी कम पड़ा, इतना मज़ा आ गया गाइस, काफ़ी अच्छा प्लेसेस था। एंड फिर गाइस हम थक गए थे, उसके बाद फिर वापस से होटल आ गए। होटल आने के बाद हमने फिर बीच में खाना खाए थे वहाँ भी रेस्टोरेंट में। उसके बाद फिर हम फिर होटल आ गए, फिर होटल में आराम किया, फिर सुबह ट्रेन पकड़ के वापस से अपने सिटी वापस। तो कैसा लगा आपको ये टूर? और मैं बता देता हूँ गाइस, मेरे को कंप्लीट कितना खर्चा आया वहाँ पे पूरी में। हम टोटल थे फ्रेंड्स 4 से 5 लोग,
मी माई मॉम डैड एंड माई सिस्टर एंड मी, चार लोग थे हम लोग। एंड टोटल जो कॉस्ट आया टूर का वो था ओनली 25 to 26,000 रुपीज़। सो गाइस मैं 25 to 26,000 में इतने सारे प्लेसेस घूमे, वो भी चार लोग के साथ, और मेरे साथ और थे वो चाचा चाची एंड फूफा एंड बुआ थी, ओके, और उनके बच्चे थे छोटे छोटे दो जने। सो गाइस हम इतने लोग पूरा इंजॉय किए, काफ़ी मज़ा आ गया हमको। सो वीडियो को लाइक करें इफ़ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके।